प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए। ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर, पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है, और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा, जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो तो वो गलत कार्य करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपराधियों को ये कड़ी चेतावनी कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आई है और कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी में माफियाओं, गैंगस्टर, अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी है वो गलत कार्य करे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। दरअसल लखनऊ में लोकभवन में सीएम योगी ने आबकारी इंस्पेक्टर के नियुक्ति पत्र बांटने के मौके पर यह कड़ी चेतावनी अपराधियों को दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं से साथ ही ये अपील भी की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने अभी तक युवाओं को परीक्षा के नाम पर, फिर रिजल्ट के नाम पर, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर प्रताड़ित किया है। और ये व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी के लेटर हाथों हाथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वैसा नहीं हो सकता है, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई गलत कार्य करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी है वो गलत करेगा, जिसको अपनी आने वाली व्यवस्था के लिए सारे रास्ते बंद करने हैं वो आज गलत करेगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद लगातार माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं हर बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये चेतावनी अपराधियों को दी गई है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाई है, और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था है उसकी तारीफ हर ओर हो रही है। लेकिन सीएम योगी की अपराधियों को ये जो चेतावनी दी गई है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट सामने आई है। युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री निवास ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी सड़क छांव लफंगे की। ये उनका ट्वीट था, लेकिन उनके इस ट्वीट पर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने श्री निवास को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी ने कहा है कि जो गलत कार्य करे तो कांग्रेस के पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ तौर पर ये लगता है कि इंटीनिया माइनों का डर सताने लगा है। विंची तो वैसे भी दुम दबाकर वायनाड भाग गया है, अब के माइनों को भी रायबरेली से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये गजेंद्र पाल सिंह बग्गा की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन सीएम योगी की माफियाओं, गैंगस्टर, अपराधियों को ये चेतावनी विपक्षियों को रास नहीं आ रही है, और यही वजह है कि यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने
सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये लिखा है कि दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। ये ओम प्रकाश राजभर की ओर से ट्वीट किया गया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टर को यह चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है, बल्कि उन्हें दो टूक ये कहा है कि पहले जो युवाओं को नौकरी मिलती थी, नौकरी के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और पिछली सरकारों में जो माफिया और अपराधी पल रहे थे वो लगातार इस तरीके का कार्य कर रहे थे, लेकिन आज पारदर्शिता युवाओं को जो नौकरी दी जा रही है उस पे आई है। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को दर दर भटकना नहीं पड़ रहा है, बल्कि मेरिट के हिसाब से उन्हें नौकरी दी जा रही है। जो होनहार छात्र हैं उन्हें नौकरी दी जा रही है। ये तमाम बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से की गई है और यही वजह है कि अब ये बौखलाहट विपक्षी दलों में लगातार देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो ये कहकर युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से ये दो टूक कहा है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और जो लोग सरकारी नौकरी के नाम पर वसूली कर रहे हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। ये दो टूक मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इन माफियाओं को जगह देती आई हैं, अवैध प्रॉपर्टी जो इन्होंने कब्जाई हुई है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में उन्होंने इन भूमि पर कब्जा किया है। गरीबों दलितों की भूमि पर ये जो अपराधी हैं इन्होंने कब्जा किया है और इन पर अब बुलडोजर चलाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है और यही कांग्रेस पार्टी हो या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, उसकी बौखलाहट जिस तरीके से सामने आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 में चुनाव होने हैं, ऐसे में किस तरीके से वोट बैंक हासिल किया जाए ये तरीका कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, इस गुंडा राज के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। माफियाओं, अपराधी और गैंगस्टर आज जेल में बंद है, उनकी जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त किया जा रहा है, उनके जो परिवार हैं जिनके नाम पर अवैध तरीके से भूमि कब्जाई गई है उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे वो आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो या फिर जिस तरीके से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही किया है। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो गुंडा राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दर्ज हुई है, लेकिन इसको लेकर अब बौखलाहट लगातार विपक्षी दलों में बढ़ रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से जब अपराधियों को यह चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो लगातार अपनी चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश ये पार्टियां कर रही हैं इनकी ये बौखलाहट सामने आई है। तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर जो कहीं ना कहीं कभी असुद्दीन ओवैसी के साथ नजर आते हैं तो कभी वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आते हैं जो खुद ही गठबंधन का रास्ता खोज रहे हैं, जो खुद ही उत्तर प्रदेश में जगह तराशने की कोशिश कर रहे हैं। वो दरअसल बीजेपी को और सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कह रहे हैं कि दरअसल प्रदेश का युवा आपकी जमानत जब्त करने के लिए बूथ पर तैयार बैठा है, लेकिन पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो नतीजे सामने आए हैं वो दरअसल इन तमाम विपक्षी पार्टियों को ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि लगातार उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को अपना मत दिया है, ये पिछले चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दिया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो उपलब्धियां हैं, जो कार्य उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और लगातार
अपराध मुक्त अभियान के तहत माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है और कहीं ना कहीं यही तमाम उपलब्धियां हैं जो विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। और आपको बता दें, आबकारी इंस्पेक्टर के नियुक्ति पत्र बांटने के मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इन अपराधियों और तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि दरअसल आज सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी आई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 4.5 साल पहले एक समय वो भी था जब इन नौकरियों पर सरकार के सानिध्य में पलने वाले माफिया और अपराधी लोगों का कब्जा था, उनकी कुदृष्टि और गिद्धदृष्टि होती थी। सत्ता के सानिध्य में पलने वाले इन गिद्धों से नौकरियां सुरक्षित नहीं रहती थी। ये दो टूक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में 4 लाख सरकारी पदों पर युवाओं का चयन हुआ है, तो इतने ही युवा संविदा सेवा पर नियुक्त भी हुए हैं, तो तमाम उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हासिल की है। सीएम योगी ने यह साफ शब्दों में दोहराया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का मात्र एक ही मानक है और वो है मेरिट। उन्होंने दो टूक उन सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं और जो ये माफिया करते हैं, इन्हें दो टूक ये समझा दिया कि यहाँ नौकरियों को बेचने वालों के मंसूबे को कतई कामयाब नहीं होने देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में फिर चाहे वो लोक सेवा आयोग रहा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो या फिर उच्च स्तर और माध्यम शिक्षा चयन आयोग रहा हो, सब जगह वसूली के ठेके चलते थे। पुलिस भर्ती पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी, सुचिता का अभाव था, कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद तो कहीं परिवारवाद, जातिवाद हावी था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जो टैलेंटेड युवा हैं उन्हें नौकरी में मौका मिल रहा है और पिछले करीब 4.5 साल में इन तमाम बाधाओं को योगी सरकार ने दूर किया गया है। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह कहा गया कि दिसंबर तक 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो लगातार उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले और इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता आई, ये कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की रही है। जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया, इसके अलावा माफियाओं पर भी शिकंजा कसा गया और लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस की नीति ही है जो उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर विपक्ष को पच नहीं रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।